दोस्तों आज मैं एक नई सीरीज़ लेके आया हूँ वोल्टेज के रिगार्डिंग। हर कार्ड के वोल्टेज आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले ये कार्ड है मेरे पास CV59SHU32, ये कार्ड का नंबर है। ये इसमें आपको बताता हूँ, पहले जो SMP ये इसका सप्लाई का प्राइमरी सेक्शन है, जो प्राइमरी सेक्शन से सप्लाई आगे SMPS आ गया, SMPS आगे एक 12 वोल्ट सप्लाई बनती है, 12 वोल्ट और एक इन्वर्टर जो सेक्शन को जाती है सप्लाई स्टार्टिंग पे, वो सप्लाई कम वोल्टेज बनती है। और आगे ये बूस्ट सर्किट बना हुआ है जो इन्वर्टर से जो बैक लाइट को ऑपरेट करता है, ये बैक ये इसमें मॉस्फेट लगा हुआ है। और ये इसकी मैं कुछ डिटेल से वोल्टेज बताता हूँ। इससे आगे पहले इन्होंने बक कन्वर्टर यूज़ किया हुआ 5 वोल्ट, और ये 1.1 वोल्टेज, और ये एक रेगुलेटर ट्रांसफर लगा हुआ है 5 वोल्ट इनपुट और 1.6 वोल्ट आउटपुट, और ये इसका CPU लगा हुआ है, और ये एक इसका रेगुलेटर ट्रांसफर और लगा हुआ है 5 वोल्ट इनपुट और आउटपुट 3 वोल्ट का रेगुलेटर है। और ये इसका उन्होंने मेमोरी IC यूज़ किया हुआ है, और ये इसका CPU है, और ये इसका क्रिस्टल लगा हुआ है, और ये इसका इन्होंने ऑडियो IC लगाया हुआ है, ठीक है। और ये मतलब आपको ये इसका ऑटो कपलर है, मतलब कहने का मतलब है ये बूस्ट इन्वर्टर है, और ये 12 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये 1.2 वोल्टेज, और ये रेगुलेटर ट्रांसफर 1.6 वोल्टेज, और ये 3 वोल्ट का रेगुलेटर ट्रांसफर, ये इसका मेमोरी IC है, और ये इसके LVDS के 12 वोल्ट है, और ये इसके CPU है। ये विदाउट स्मार्ट कार्ड है, चाइनीज़ कार्ड है, इसकी फुल जानकारी यही है। ओके, थैंक यू।